नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमयी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कब तक पूरे होंगे आदिवासियों से किए गए वादे? 13 अगस्त को मनाया जा रहा वजन त्योहार। एकलव्य विद्यालय में बीमार बच्चों से मिलने पहुंचे राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम। राजनीति भी अजब चीज है, पल पल बदलती है और वो भी कल्पना से इतर। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है, जहाँ की 30% आबादी आदिवासी समुदाय की है, जिसमें अकेले बस्तर संभाग में ही विधानसभा की 12 सीटें हैं। जिसने बस्तर जीता उसने छत्तीसगढ़ जीता। पर क्या इतना होने के बाद भी इन आदिवासियों को लाभ मिला है? आज भी आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति संघर्षरत दिखाई दे रहे हैं। वे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आज भी गुहार लगाते ही दिखाई पड़ते हैं। आलम यह है कि जंगल के मालिक कहे जाने वाले आदिवासियों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अनुसूची 5 पेशा कानून जैसे शब्द किताब में ही प्रबल हो रहे हैं, जबकि सूबे के 90 में से 29 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इस आरक्षण के बाद क्या वाकई इनको इसका सीधा लाभ मिला है? इसी के साथ जैसे ही यह खबर सामने आई कि भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, तो इस पर राजनीति गर्म हो गई। आदिवासियों की जमीनी हकीकत कुछ और है। आज आदिवासी जरूरी सुविधाओं से महरूम है। इसके तर आदिवासी नेताओं की सांसद और विधानसभा में निष्क्रियता भी समाज के पिछड़ेपन का एक कारण है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान भी सामने आया और ये वही बीजेपी है जिसने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग विभाग का गठन किया था। आदिवासियों की तमाम ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर वो आए दिन या तो लाठी खाते हैं या गलत FIR या फिर घर छोड़कर जंगल में रहते हैं। उनके साथ कई वादे किए गए, अब देखना ये होगा कि वो वादे कब तक पूरे होंगे। भाई अरुण साहब जी को बहुत बधाई, पार्टी उनका आंतरिक मामला है, जिसको अध्यक्ष बनाए लेकिन सांसद जी हैं और अरुण साहब जी को बधाई। लेकिन ये है कि विष्णुदेव साय चूँकि आदिवासी थे और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उसको हटा दिया गया, एक दिन बाद हटा सकते थे। मुख्यमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से विभाग का गठन किया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इस देश के सर्वोच्च पद में एक ऐसी हमारी बहन को चयनित किया गया, द्रौपदी मुर्मू, जो अनुसूचित जनजाति की है। इतना बड़ा सम्मान हिंदुस्तान की राजनीति में आज तक नहीं मिला। वो काम किया केंद्र में, केंद्र सरकार में यदि नेतृत्व मिला है, मंत्रिमंडल में काम मिला है, तो रेणुका सिंह आज केंद्रीय मंत्री के रूप में उस समाज का प्रतिनिधि कर रही है, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि कर रही है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर हो सम्मान देती है। छोटे बच्चों में कुपोषण की पहचान के लिए 13 अगस्त को बिलासपुर में वजन त्योहार मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर के आंगनबाड़ियों में 6 वर्ष तक के बच्चों की कुपोषण जांच की जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना है, जिसमें उम्र के हिसाब से हाइट और वजन जांच कर कुपोषण दर निकाला जाएगा, जिसके हिसाब से डाइट तैयार किया जाएगा। जिसे लेकर बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों का वजन कराने की अपील की है। रामपुर जिले के वाड्रफ नगर कोटराही में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 57 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ने पर प्रशासन हरकत में आई है और आनन फानन में सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर में भर्ती कराया गया। इस बात की खबर लगते ही पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम बच्चों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चों से बात कर जल्द ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया। साथ ही डॉक्टरों से बीमारी की वजह पूछे जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि तकरीबन 20 से अधिक बच्चे टाइफाइड से ग्रसित हैं। वहीं परिसर में साफ सफाई को लेकर नेताम नाराज नजर आए। वहीं सरकार से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक भवन निर्माण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी मद में प्रशासन व्यवस्था शासन प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि यहां पर समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार करोड़ों की राशि खर्च करती है। इसके बाद भी इन बच्चों को बेहतर सुविधा इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मुहैया न कराना। मैंने आज हॉस्पिटल जा करके पता किया, जिसमें करीब 30 के लगभग बच्चे वहाँ पे एडमिट मिले। और यहाँ एक तो पानी की समस्या है, रहने की समस्या है, यहाँ किचन भी नहीं ढंग का बना है। भोजन बनाने के लिए जो आज एक से एक जो टेक्निक आया है उसका अभी कमी है, वो हो नहीं पाया है। मुझे लगता है कि जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक ये समस्या बना रहेगा। मैं यही आग्रह करूँगा सरकार से कि तत्काल इसके ज़मीन दे करके
उसे जो टेंडर हुआ है उस टेंडर के मुताबिक जो उसका जो ड्राइंग बना है उसके आधार पर बनाया जाए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।